नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू NKC न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 दोनों के बारे में आपको बताएंगे, दोनों के अपडेट निकल के आ रहे हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ, यहाँ देखिए और आपको ऊपर भी दिखाते हैं, 16 तारीख यानी कल का अपडेट में आया है। यहाँ से देख रहे हैं 16 फरवरी देख रहे हैं 2019 का अपडेट में आ रहा है, तो आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं दोस्तों। ये हिंदी न्यूज़ पर आया है। यहाँ देख रहे हैं जैसे कि प्राइमरी स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा विवादों में फंसी और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की 4 लाख अध्यापकों की भर्ती पूरी होने में संदेह। तो क्या क्या संदेह हो रही है और क्या क्या अपडेट आ रहे हैं निकल के आपको पूरी अपडेट देते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल मिलेगा बेल बटन उसको भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही काम करों के साथ आप अलर्ट अपडेट रह पाएंगे। दोस्तों वीडियो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और सफर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ से देख पा रहे हैं 4 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में, और यहाँ देख रहे हैं शिक्षक भर्ती, यहाँ देख रहे हैं कि जब है लापरवाही करें अधिकारी और भुगते बेरोजगार युवा। तो क्या बेरोजगार युवा भोगत रहे हैं देख लेते हैं। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है। पहले जहां यह भर्ती 15 फरवरी तक पूरी की जानी थी, वहीं अब जो है इसके लोकसभा चुनाव के पहले होने की उम्मीद बहुत कम है और कट ऑफ अंकों को लेकर मामला हाईकोर्ट में है। और देख रहे हैं यदि फरवरी में इस पर फैसले नहीं आया तो चुनाव के पहले भर्ती पूरी नहीं हो सके हो पाएगी, यानी इसके चलते जो 4 लाख जो है 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है। अब जो है हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व सभी पक्षकारों को 18 फरवरी को बहस पूरी करने का आदेश दिया है। तो आपको पता है तो और शिक्षक भर्ती जो है लिखित परीक्षा 4,10,440 अभ्यर्थियों ने दी है और इसमें जो पास होने वाले अभ्यर्थी ही हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। और लिखित परीक्षा जो है 6 जनवरी को हुई थी आपको पता होगा और 22 जनवरी को परिणाम घोषित किया जाना था, लेकिन ये सब नहीं हुआ और देख रहे हैं तब परिणाम जो है फरवरी में ही हो सकता है घोषित किया जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं वही भर्ती प्रक्रिया जो है 15 फरवरी तक पूरी करने की योजना थी, लेकिन देख रहे हैं 15 फरवरी को भी नहीं हुई, लेकिन जो है राज्य सरकार की मंशा पर अधिकारियों ने पानी फेर दिया और बेसिक शिक्षा विभाग ने लिखित परीक्षा के बाद कट ऑफ अंक जारी कर दिया। और देख रहे हैं यह जो है यहाँ से मामला फंस गया। विभाग ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 60% पासिंग मार्क्स कर दिए और अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। और देख रहे हैं यदि कट ऑफ अंक निर्धारित करने ही थे तो लिखित परीक्षा के पहले ही करने थे, तो यहाँ देख रहे हैं वो ऐसे नहीं किए, बाद में किए हैं कट ऑफ। प्रभात जी जो हैं कहे हैं जो उसके बाद ही आपको सोचा जाएगा, अभ्यर्थी जितना आवेदन करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। इसके लेकर अभ्यर्थियों हाईकोर्ट चले गए और देख रहे हैं तब से इस मामले पर सुनवाई चल रही है और मामला इसलिए भी ज़्यादा तुल पकड़ गया कि पिछली भर्ती यानी 68,500 शिक्षक भर्ती में सरकार ने 40 और 45% पासिंग मार्क्स रखे थे और जब तब सरकार जो है ने इसे घटाकर 35 और 40 किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे भी नहीं माना और 40-45% ही मार्क्स मानते हुए रिजल्ट को जारी करने का आदेश दिया था 68,500। आपको पता है और इसमें देख रहे हैं जो अब है इसका दूसरा रिजल्ट आ रहा है 68,500 को, तो अभी जल्द चलाएगा, हो सकता है शाम तक मैं अपडेट दे दूंगा, नहीं तो कल आपको बता दूंगा उसमें दूसरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों वो दूसरा रिजल्ट आ ही जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और दूसरी बात ये निकल के आ रहा है कि 68,500 तो 69,000 दोस्तों 69,000 भी 40-45% पर ही लिया जाएगा सभी को भर्ती, ये आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ भी देख रहे हैं कुछ अपडेट दे रहा है, प्राइमरी स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले सरकार ने पक्ष रखने का फिर मंगा समय, ये आपको मैं बताया हुआ था तो अपडेट आप देखे हुए ही हैं। यहाँ भी कुछ अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती की CBI जाँच का आदेश खारिज, यहाँ भी देख रहे हैं, जो नहीं देखे हैं इसको आराम से रोक के देख सकते हैं, सब मैं बता रखा हूँ तो दोबारा इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पूरी अपडेट थी, मैं आपको अपडेट कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पर सभी हैं जो अपडेट निकल के आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं, देख रहे हैं वन बाय वन करके सभी आ रहे हैं निकल के, मैं आपको दिखा दिया हूँ आराम से इसको रोक के आप देख सकेंगे। तो चलिए आगे के अपडेट मिलते हैं, जो भी अपडेट निकल के आएंगे मैं आपको शाम में फिर से आऊँगा और अपडेट दे दूँगा। दोस्तों यहाँ शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी अपडेट निकल के आते हैं सबसे पहले NKC न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही काम करूँ साथ और अपडेट रहने के लिए NKC न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर लेना ताकि ऐसे ही काम करूँ साथ आप अलर्ट अपडेट रह पाएंगे। और वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक कर देना वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और सब ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए अगले अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।